क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग. An integrator circuit is shown in this figure. The op-amp is type of 741 and has an input offset current IOS of 1 microampere. C is the 1 microfarad and resistor is the 1 mega ohm. If the input voltage VI is a 1 kilohertz and यहाँ पे स्क्वेयर वेव ऑफ 1 वोल्ट पीक टू पीक द आउटपुट वोल्टेज VO अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन विल बी. क्वेश्चन में हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज पूछा गया है. RC, IOS इन सब की वैल्यू हमें गिवन है और डायग्राम यहाँ पे गिवन है. तो देखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है. ऑप्शन ए है अ स्क्वेयर वेव ऑफ 1 वोल्ट पीक टू पीक. ऑप्शन बी है अ ट्रायंगुलर वेव ऑफ 1 वोल्ट पीक टू पीक. ऑप्शन सी है पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC एंड ऑप्शन डी है नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज माइनस VCC. तो देखते हैं हम सॉल्यूशन. क्वेश्चन में हमें यहाँ पे R और C की वैल्यू दी है प्लस इनपुट जो ऑफसेट करंट है उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे गिवन है. तो देखते हैं गिवन वैल्यू IOS इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 1 माइक्रो एम्पियर और C जो दिया गया है वो दिया गया है 1 माइक्रो फैरेड और 741 ओप एम्प है और रेजिस्टर्स जो है R की वैल्यू है 1 मेगा ओहम. इनपुट वोल्टेज जो है वो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो दी गई है 1 किलो हर्ट्ज और स्क्वेयर वेव जो है 1 वोल्ट पीक टू पीक है. तो उसके लिए आउटपुट वोल्टेज की जो स्टेडी स्टेट कंडीशन रहेगी वो यहाँ पे क्या होगी ये हमें यहाँ पे पूछा गया है. तो आउटपुट वोल्टेज के अंडर जो स्टेडी स्टेट कंडीशन है वो हमें यहाँ पे पूछी गई है. स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होगी ये हमें यहाँ पे बताना है. तो देखते हैं हम डायग्राम से. अगर इस डायग्राम में हम KVL अप्लाई करते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे. डायग्राम में हम KVL अप्लाई करते हैं एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल जहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया गया है V1 और इनपुट रेजिस्टेंस दिया गया है R1. तो हमारे पास KVL से इक्वेशन हो जाएगी V1 माइनस 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0 माइनस आउटपुट वोल्टेज इनटू CS. तो ये हमने KVL अप्लाई किया एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ओपन 741 IC. अगर इसमें हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज देखें इसको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा V1 डिवाइड बाय R is equal to minus VO into CS. पर यहाँ पे हम ये minus VO जो है तो इसको हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में ले आएंगे तो वो हो जाएगा हमारा ये V1 यहाँ आ जाएगा और आउटपुट वोल्टेज ये CS जो है वो RC के साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा V1 divided by RCS in the minus form. मतलब इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे रीअरेंज कर दिया. अब अगर हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में ये इक्वेशन लिखना चाहें तो वो इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं. आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस इक्वेशन है तो ये निगेटिव में इक्वेशन आएगी इंटू 1 बाय आर सी हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया और हम इसको V1 डिवाइड बाय S को इंटीग्रेट फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 0 to t इंटीग्रेशन इनटू V1 dt. मतलब आउटपुट वोल्टेज हमें इन द इंटीग्रेट फॉर्म में इस फॉर्म में मिलेगा माइनस ऑफ 1 बाय आर सी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t इनटू V1 dt. तो द गिवन सर्किट यहाँ पे जो सर्किट दिया गया है वो बिहेव कर रहा है एज ए इंटीग्रेटर क्योंकि यहाँ पे हमने आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट किया है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन. इसलिए जो सर्किट गिवन है सर्किट डायग्राम वो एज ए इंटीग्रेटर बिहेव कर रही है. इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ जो स्क्वेयर वेव रहती है वो
ट्राइंगुलर में रिजल्ट करती है। मतलब अगर हम स्क्वेयर वेव का इंटीग्रेशन लें, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वेयर वेव अगर हम लेते हैं और उसका अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो हमें मिलता है ट्राइंगल्स में, वो मिलता है हमें ट्राइंगल्स में। स्क्वेयर वेव का इंटीग्रेशन जो है वो हमें ट्राइंगल्स में मिलता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी में हमें गिवन है अ ट्राइंगुलर वेव ऑफ 1 वोल्ट पीक टू पीक, तो जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम स्क्वेयर वेव का वो ट्राइंगुलर वेव मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी ए हमारा सही आंसर है।